ब्रिटेन की द गार्डियन ने एक लेख में अनाम पाकिस्तानी और भारतीय खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि भारत नीतिगत तरीके से पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को मरवा रहा है जो भारत के खिलाफ काम करते रहे हैं। इन मारे गए आतंकियों में अधिकतर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं या कश्मीरी उग्रवादियों के हैंडलर हैं। अब तक ऐसे 20 लोग मारे जा चुके हैं। इसी लेख के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसे दावों या आरोपों को झूठ और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बताया है। द गार्डियन के मुताबिक 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत की नीति बदली। इसराइल के मोसाद और रूस के केजीबी के काम के तरीके को उदाहरण बनाया गया। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और खालिस्तानियों को निशाना बनाया गया। ये काम यूएई में बैठे भारतीय खुफिया तंत्र के स्लीपर सेल्स ने किया। उन्होंने पाकिस्तान के स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए देकर हत्याएं करवाई। लेकिन पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों ने जो सबूत दिए उनका गार्डियन स्वतंत्र तौर पर तस्दीक करने से इनकार करता है। जो मारे गए हैं वो कौन है? अखबार ने कुछ के नाम साझा किए हैं। 1999 में एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 का हाईजैकर था जहूर मिस्त्री, जो मार्च 2022 में कराची में मारा गया। शाहिद लतीफ, जैश ए मोहम्मद कमांडर, 2016 के पठानकोट एयरबेस पर फिदाइन हमले का हैंडलर, अक्टूबर 2023 में सियालकोट में मारा गया। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बशीर अहमद पीर, फरवरी 2023 में रावलपिंडी में मारा गया। ये LOC के रास्ते जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजता था। सलीम रहमानी लश्कर ए तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा था और जम्मू कश्मीर में युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंकवाद की तरफ धकेल रहा था। लश्कर कमांडर रियाज अहमद 2023 जनवरी में कश्मीर में धनगरी आतंकी हमले में शामिल था, POK में मारा गया। आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार मई 2023 में लाहौर में मारा गया। द गार्डियन का दावा है कि कनाडा के खालिस्तानी हरदीप निज्जर की हत्या का मामला और अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश का मामला उछलने के बाद से पाकिस्तान में ऐसी हत्याएं बंद हैं। अखबार को इन दावों पर दी प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सब झूठ, दुर्भावनापूर्ण, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के कुछ महीने पहले दिए बयान का भी हवाला दिया कि ऐसी भारत की नीति नहीं। हालांकि द गार्डियन की इस रिपोर्ट के वक्त को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से कादंबिनी शर्मा, NDTV इंडिया।